अच्छा ये बताएं कि पहले भी दर्द हुआ है? नहीं, बस कुछ दिन से है, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द होता है। कब से? अब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। हो सकता है किसी बात का स्ट्रेस ले लिया हो, अक्सर इस वजह से भी हो जाता है। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये आप करवा लें, उसके बाद ही कुछ कंफर्म होगा कि क्या है। गुड टू सी यू, वेलकम बैक। थैंक यू। सच में तुम्हें यहाँ दोबारा देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा जी। हाँ, पूछोगी नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि अब तुम मेरे हिस्से का काम करोगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन जो है ना, वो मुझसे हर वक्त नाराज होती है कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, उसे टाइम नहीं दे पाता, और इसलिए अब तुम मेरा काम भी करोगी। प्लीज अब ना मत कहना, तो मेरे लिए ना सही, अपनी बहन की खातिर प्लीज मेरे हिस्से का काम कर दे। मैं नो मिस्टर, ये आपका कोई काम नहीं करेंगी, बल्कि महनाज मुझे मेरे नए प्रोजेक्ट में असिस्ट करेंगे। वाह, ये तो पहले दिन ही छक्का मार दिया। इसका ये मतलब है अब ट्रीट बनती है तुम पर? नहीं, ट्रीट मेरी तरफ से और जहां तुम लोग चाहो। परफेक्ट, ये तो और अच्छा हो गया। खैर एनीवेज, पापा आप इनको प्रोजेक्ट समझाएं, बाद में होती है बात। जी महाराज, तो वो नया प्रोजेक्ट जो है। किंसा, बेटा तुम्हारे इतना दर्द हो रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मामा ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो। खाक ठीक हो, जब तक मैं टेस्ट नहीं करवा लूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। मामा अभी करवा लेते ना, टेस्ट रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा। नर्स, जरा दो मिनट मेरे बच्चे को संभाल लेंगी? मैं एक फोन सुन लूं। अम्मा हम अपने काम कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे संभाले। इतना रो रहा है, क्या करूं? कहां जा रही हो तुम? उनका बच्चा थोड़ी देर पकड़ लेती हूँ ना, वो रो रहा है, लाए मुझे दे दे। हाँ जी बेटा, मैं यहीं हूँ गेट पे, आप आ जाएं। सही, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं, मैं नहीं आपको जानती। हो गई तुम्हारी बकवास बंद? ये मेरी मोहब्बत है, मेरी बीवी है और मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, वो बच्चा जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती, क्योंकि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। किंजा? किंजा, अरे किंजा बेटा दरवाजा खोलो। नोमान, क्या हुआ मामा? ये बेटा, ये देखो ये क्या कर रही है। किंजा मामा, हुआ क्या है? किंजा यूं खामोश क्यों बैठी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पता नहीं बेटा। किंजा देखो, मैं कह रहा हूँ कि प्लीज तुम दरवाजा खोलो। क्या तुम अपने भाई की बात नहीं मानोगी? देखो हम बैठ के बात कर सकते हैं। मामा आप एक काम कीजिए, जाकर दूसरी चाबी लेकर आइए। मामा प्लीज जाइए। किंजा
किंजा मेरी बात सुनो, मामा प्लीज जल्दी आए। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो तुम लोग? साहब, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। एक बेवफा इंसान के लिए तुम खुद की जान ले रही हो। तुमने भी तो फायजा के साथ बेवफाई की थी, उसने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया, तो मैं कैसे जैन से प्यार करना छोड़ सकती हूँ? हाँ ठीक कहा तुमने, उस बेवफाई की सजा मैं आज भुगत तो रहा हूँ ना, लेकिन जारा के छोड़ जाने के बाद मैं मरा तो नहीं हूं ना। क्या मैं हिम्मत हार गया हूं? तुम्हारे सामने ही हूं ना, तुम क्यों हिम्मत हार रही हो? क्योंकि सारा को तुम पे धोखा गया था, तुम्हें उससे प्यार नहीं था। अगर यही सलूक तुम्हारे साथ पायजा करती तो तुम्हें एहसास होता अपने प्यार को किसी और के साथ खुश देखकर कैसा लगता है। चुप हो जाओ किंजा, वो इंसान इस काबिल नहीं है कि तुम अपने आंसू उस पर जाया करो। जानती हो, अगर तुम उस दिन अपने पापा को ना रोकती तो जैन आज उस लड़की के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारने के बजाय सड़क पर होता। मामा क्या होता? सोया को छोड़ के क्या मुझसे प्यार करने लग पड़ता? मामा अब कब तक दूसरों को बर्बाद करके अपने लिए खुशियां ढूंढते रहेंगे? बर्बाद करते करते हम खुद बर्बाद हो गए। तुम्हें पता है नौमान, सहन की गोद में उसका जोया का बच्चा देखकर मेरा एहसास और बढ़ गया है। शुक्र है कि जोया उस वक्त उसके साथ नहीं थी ना, उसके चेहरे पर मां बनने का एहसास और खुशी देखकर मैं वो सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाती। मैं कितना बेबस भाई हूं, अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। आपके पास एक जोड़ा भी ढंग का नहीं है, आप ऑफिस कैसे कपड़े पहन के जाती हैं? मलिया इतने सारे तो जोड़े, तुम्हें क्यों नहीं कुछ समझ आ रहा? रहने दें, आपकी अलमारी में कोई भी अच्छा जोड़ा नहीं है जो पहनने के काबिल हो। मलिया हम कोई शादी पे नहीं जा रहे जो तुम इस तरह कपड़े सेलेक्ट कर रही। एक डिनर ही तो है, कुछ भी पहन लूंगी। क्या हो गया आपी आपको? ये कोई आम डिनर नहीं है जो आप कुछ भी पहन के चली जाएंगी, ये एक स्पेशल डिनर है, आपकी प्रमोशन के एजाज में दिया जा रहा है, तो कुछ अच्छा सा पहन के जाएंगी ना, आपको स्पेशल लगना चाहिए ना। अच्छा जी, यही अगर मेरे साथ होता ना तो अब तक मैं मार्केट जाके ना चार जोड़े तो अपने लिए खरीद के ले आती, लेकिन आपको पता नहीं क्या हो गया, आपकी कोई शौक ही नहीं है आपकी। क्योंकि मैं आपकी तरह पागल नहीं हूँ। इसमें पागल होने वाली क्या बात है? आपके पास ना बहुत फजूल टाइम है बहस करने का, आप ये फजूल काम करें, मुझे मेरे पास बहुत घर के काम पड़े हैं। ठीक है, इस टाइम कौन आ गया? मैं देखती हूँ। ला, एक भी अच्छा जोड़ा नहीं है।
आप ही भी ना बस। सुल्तान आपको क्या बताऊं मैं उसकी हालत, बड़ी मुश्किल से संभाला है उसको। ना, हम कितने मजबूर, हमारे दोनों बच्चे तकलीफ में हैं और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। दोनों ने अपनी जिद की वजह से हमारे हाथ बांध दिए। नौमान अपना इलाज नहीं करा रहा और किंजा जैन को कुछ नहीं कहने दे रही। वो दोनों तो गिल्ट में मुब्तला होकर अपने को अजियत दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा, किंजा के सर में बार बार दर्द क्यों होता है? अभी कुछ पता तो नहीं है सुल्तान, रिपोर्ट्स आ जाएं तो पता चलेगा। दुआ करें कि बस सब खैरियत रहे। तो नुमान की वजह से पहले ही परेशान है। और तमन्ना, मैं तो अपने जब भी दोनों बच्चों को देखता हूँ ना तो मेरी तो हिम्मत ही जवाब दे जाती। अरे क्या फायदा है इस बिजनेस का, इतने पैसे का, जब मेरी औलाद ही खुश ना हो। सुल्तान आप तो हमेशा मुझे हिम्मत देते हैं और आज खुद इतनी हिम्मत हार रहे हैं। क्या करूं, बाप तो हूं ना, मेरे दोनों बच्चे खुश नहीं है। जब भी उन्हें देखता हूं तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। अच्छा आप ये बताइए, जारा से कोई और बात हुई आपकी? नहीं, मैंने जरूरत नहीं महसूस की। कितना खूबसूरत सूट भेजा ना उन्होंने आपके लिए, रात के डिनर के लिए। आप पहनेगी ना बहुत खूबसूरत लगेंगे। हटाओ इसको, मैं ये नहीं पहनने वाली हूँ, बता रही हूँ तुम्हें अभी भी। क्यों आप ही, आप क्यों नहीं पहनेगी? देखिए अगर आप ये सूट नहीं पहनेंगी तो उन्हें बुरा भी तो लग सकता है ना। ये उनका मसला है, लेकिन मैं ये नया जोड़ा नहीं पहनने वाली। अम्मी देखे ना, पापा का भेजा हुआ सूट ही नहीं पहन रही है। बुरी बात है ना बेटा, किसी का दिया हुआ तोहफा इस तरह नहीं ठुकराते। आप ही, ये मेरे ससुर ने भेजा है आपके लिए, अगर आप नहीं पहनेंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा और ससुराल में मेरे साथ बहुत जुल्म भी हो सकता है। जी जी कर लिया आपके ससुराल वालों ने आप पे जुल्म और सह लिया आपके आशिक शोहर ने। नहीं आप भी क्या हो गया, अम्मी का तो लिहाज कर लें। अच्छा पहने ना, अच्छा लगेगा, मान जाए ना, है ना अम्मी? किंजा बीबी दवाई खा लें। साइड पे रख जाओ, खा लूंगी मैं। नहीं किंजा बीबी आप अभी खा लें वरना फिर आपके सर में दर्द हो जाएगा। ये खाने से मेरे सर का दर्द तो ठीक हो जाए, लेकिन जो मेरे दिल में है उसका क्या, उसका कोई इलाज है तुम्हारे पास? है तो, लेकिन ये बहुत दिल गुर्दे का काम है, शायद आप नहीं कर सकेंगी। क्या कह रहे हो सलमा, बताओ मुझे। किंजा बीबी अब वापस अपने घर चली जाएं। क्या बकवास कर रही हूँ, जैन ने जो मेरे साथ किया तुम्हें पता नहीं है क्या? जानती हूँ, लेकिन क्या इसके बाद उनको आप भूल सकी? जब आप उनको भूल ही नहीं पा रही हैं, तो उनके बिना रह के आप अपने आप को क्यों अजियत दे रही हैं? आप जानती है ना कि औरत ने हमेशा मोहब्बत में समझौता किया है, आप ही करके देख लें, कम अज कम आप खुश तो रहेंगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो यहाँ किंजा के साथ? वो तो बेगम साहब है, मैं तो क्या मैं लगा रखी है, जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ का रुख नहीं करना, समझी? किंजा तुम्हें क्या हो गया है, हर एक के साथ तुम बैठ जाती हो फजूल बातें करने के लिए।
हो सलमा? तुम अशर को नहीं लेकर आई, मैं कब से उसका इंतजार कर रही थी। बीबी जी, मैं अशर बाबा को भी कभी नहीं ला सकूंगी। क्यों, क्या क्या घर में किसी को कुछ पता चल गया है? नहीं, वो बेगम साहिबा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तुम परेशान ना, मैं हूं ना। नहीं बीबी जी, मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, आप फिक्र ना करें। सलमा, तुमने जितना करना था कर लिया, तुम परेशान ना होना। थैंक यू खाला। शुक्र है बेटा, आपने दोबारा काम पे जाना शुरू कर दिया। अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के कि आप जिंदगी की तरफ लौट के आ रहे हैं। क्या करें खाला, ना चाहते हुए भी जीना तो पड़ेगा ना। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, जिंदगी तो अल्लाह ताला की नेमत है, इस पे तो शुक्र अदा करना चाहिए। बेमकसद जिंदगी का क्या फायदा है खाला? अरे अल्लाह रखे, आपकी जिंदगी का मकसद है ना आपकी औलाद, ऐसा नहीं कहते? कैसी तबीयत है उसकी? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत बेहतर है। रात को सुकून से सो भी गया था, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। चले अच्छा। बेटा मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने बच्चे का अभी तक नाम क्यों नहीं रखा? कोई अच्छा सा नाम रख लेना उसका। खाला आपका जो समझ में आ रहा है आप वो नाम रख लीजिए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों बेटा, आपने और जोया ने कोई तो नाम सोचा होगा अपने होने वाले बच्चे का, वही रख लें। सोचा था खाला, जोया का क्या कसूर था, क्यों चली गई वो? कोई कसूर नहीं था ना उसका। बेटा मैं ये तो नहीं जानती कि आपने किसी का कुछ बिगाड़ा है या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इंसान का बुरा वक्त उसकी आजमाइश होती है, या फिर उसके ही किए गए कोई बुरे अमाल की सजा। जैन मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, देखो वापस आ जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। जैन देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो जैन। क्या खाला ठीक कह रहे हैं? कहीं ये सब किंजा को धोखा देने की सजा तो नहीं है? नौमान। जी मामा। बेटा ये शकूर हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इसे मैंने घर की और खास तौर से तुम्हारे काम के लिए रखा है। लेकिन क्यों मामा, सलमा है ना? सलमा को मैंने हटा दिया है। सलमा को निकाल दिया? लेकिन मामा वो हमारे घर की पुरानी मुलाजमा है। अरे बेटा पुरानी तो थी, लेकिन इतनी काम चोर हो गई थी कि कोई हद नहीं, जरा काम में दिल नहीं लगता था, बस इसीलिए मैंने उसको निकाल दिया। लगता है आहिस्ता आहिस्ता सभी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। शुक्र देखो साहब अगर लॉन में बैठे हैं तो उनके लिए चाय बना दो। जी अच्छा। मामा
देख लो आप अपने आप को। हाँ अब देख लो। मलिया ये क्या किया है? इतना ओवर मेकअप। मलिया मैं से ओवर नहीं जा रही, अजीब सा कर दिया तुमने। किसने कहा है आपको ओवर लग रहा है? इतनी अच्छी तो लग रही हैं आप। आपने कभी मेकअप किया नहीं ना, इस वजह से आपको ओवर लग रहा है। पर आप भी, आपकी प्रमोशन का डिनर है तो कुछ तो फील करें ना। और ये जोड़ा भी इतना अच्छा लग रहा है, बिला वजह आप नखरे कर रही थी। अच्छा अच्छा, वो बातें करती रहोगी, जाके तैयार भी होगी। वो फाहद की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो हो सकता है हम लोग ना जा सकें। क्या मतलब, मैं अकेली जा रही हूँ डिनर पे? अरे वाह, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक, वहां लोग वेट कर रहे होंगे। मैं और मलिया नहीं जा रहे, आप जाएं। क्यों नहीं जा रहे? जब प्रोग्राम सबके साथ बनाया तो तुम लोग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको और महनाज को अकेले जाना चाहिए। अकेले नहीं फाद, महनाज समझेगी मैंने सब कुछ प्लान किया, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं? आप जाके तो देखें, हिम्मत तो करें। नहीं फहद, मैं फिर से महनाज को नाराज नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से उसने मुझ पे एतबार किया दोबारा, फिर नहीं। क्या हो गया आप ही? आप क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हैं? मलिया मैं जिद नहीं कर रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर फहद की कहीं कमिटमेंट है तो हम किसी और दिन डिनर पे चले जाएंगे, जरूरी थोड़ी कि आज ही जाएं। आपी, फहद के पापा ने ये डिनर स्पेशल आपके लिए रखा है, और अगर आप नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। मलिया जो भी है ना, मैं अकेले नहीं जाऊंगी डिनर पे। पापा तैयार हैं आप ही। मलिया हम कहीं नहीं जा रहे हैं आज, हम घर पर ही डिनर करेंगे। अब तो ठीक है ना महनाज? बस कर दो जारा, छोटी छोटी बातों पर कोई अपना घर थोड़ी छोड़कर आ जाता है। चाची ये आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। मुझसे तो मेरे पापा ने आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आपकी इतनी जिद्दत कि आपने मुझे थप्पड़ मारा। जारा मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तो मैं तुम्हें खुद मनाने आई हूँ। बस अब तुम नाराजगी खत्म करके घर चलो, घर की रौनक खत्म हो गई है बिल्कुल। अच्छा वाह चची वाह, उस दिन तो आप मुझसे कह रही थी कि जब से मैं आपके घर आई हूँ नसीब फूट गए हैं नुमान के, और उसकी जिंदगी खराब हो गई, और आज आप मुझसे कह रही है कि मैं आपके घर की रौनक हूँ। हाँ बहू तो बहू होती है, वही घर की रौनक होती है। वैसे चाची आप बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं, आपके मुंह से ना ये बातें अच्छी नहीं लगती, और मुझसे बेहतर कौन जानता है कि आप कैसी सास हैं। अच्छा वैसे एक बात बताए, उस दिन जो चाचू ऐलान करते फिर रहे थे कि वो अपनी लाडली बहू फायजा को वापस लाने वाले हैं, उसका क्या हुआ? फायजा मिली नहीं आप लोगों को, या फिर उसने भी आपके लंगड़े बेटे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया? ज़ारा तुम जानती हो ना कि मुझे नुमान के लिए ये लफ्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। Too bad. तो ये तो आपका मसला है ना चाची, लेकिन आपका बेटा तो है ही अपाहिज। मेरा बेटा अपाहिज नहीं है, अपाहिज तो तुम हो दिल और दिमाग से। तुम कितनी खुदगर्ज लड़की हो जारा, कल तक तुम रो रही थी नुमान को अपनाने के लिए, उसके पीछे पीछे फिर रही थी, और आज नुमान की जरा सी तकलीफ में उसका सहारा बनने के बजाय तुम भाग कर आ गई यहाँ। आपको एक बात बताऊं चाची, आपकी इन तकरीरों का ना मुझ पर तो कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं आपके अपाहिज बेटे के साथ नहीं रहूं, लिहाजा उससे कहें कि वो मुझे तलाक दे दे। वो तुम्हें तलाक नहीं देगा। क्यों क्यों नहीं देगा तलाक? इसलिए कि मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी, समझी तुम?
सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। क्यों, मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने नहीं आना, फिर भी तुम पापा के साथ आए हो। हाँ तो तुम मुझसे क्यों लड़ी हो, ये तुम उनसे पूछो जाके। देखो मैंने उन्हें कहा था कि हम चाहते हैं कि आप और मिनाज अकेले जाएं, लेकिन उन्होंने मुझे आगे से कहा कि भाई मैं उसे झूठ नहीं बोल सकता। पापा तो समझ ही नहीं रहे, इतना अच्छा मौका था आप ही से मिलने का, उन्हें समझाने का। देखो मलिया, बेशक मैं मेहनाज को चाहता हूँ, लेकिन मैं आज भी अपने फैसले पे कायम हूँ। अपनी चाहत के लिए मैं कभी भी उसे मजबूर नहीं करूँगा। तो इसका मतलब है मैं भूल जाऊँ कि आपका और मेरा कभी ससुर और बहू के अलावा साली और बहनोई का भी रिश्ता हो सकता है? क्या चाहते हो? हाँ, हमेशा क्यों मेरा मजाक बनवाते हो? कोई खिलौना हूं मैं क्या तुम लोग के लिए? आप ही ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। किस तरह? इस तरह मेरा तमाशा बनवा के? आप ही आप गलत सोच रहे हैं, हम आपका तमाशा नहीं रिश्ता बना रहे हैं। और इस रिश्ते के लिए मेरा तमाशा बनाया जा रहा है? महनाज, मैं पापा की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम उन्हें अपना लो तो जिस कदरदान की तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूरत है वो पापा तुम्हें उतनी कदर देंगे। उन्हें एक दफा मौका तो दो। देखो मैं ये बात जानती हूँ और मैं इस बात को मानती हूँ कि सर एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जो तुम लोग सोच रहे हो मैं वो सब नहीं कर सकती। ठीक है आपी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक खामी बता दें पापा की, जिसकी वजह से आप उन्हें रिजेक्ट कर रही हैं। आप ये आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? असगर से जान छुड़वाने से लेकर आपको एक कामयाब इंसान बनाने तक क्या पापा आपके साथ हर जगह खड़े नहीं रहे? उन्होंने हर जगह आपका साथ दिया, तो फिर आप उनकी मोहब्बत को क्यों ठुकरा रही हैं? बीबी जी, आप अशर पापा को याद कर रही हैं ना? इतने दिन जो हो गए हैं आपने से देखा जो नहीं है। हाँ, याद तो मैं उसे कर रही हूँ, इतने दिन से अपने अशर को देखा ही नहीं है। जब तक तुम नौकरी करती थी ना वहां पर, तुम्हारे बहाने अशर से मिल लिया करती थी। आप फिक्र नहीं करें, उसे किंजा बीबी ने संभाल लिया होगा। और वैसे भी किंजा बीबी के पास उसके अलावा है ही क्या? शनुमान की भी बड़ी फिक्र होती है, पता नहीं किस हाल में होगा। जब तक मैं बंगले में थी तो बेगम साहबा से यही सुन रही थी कि वो जारा बीबी को वापस बुला लेंगी। अब तो मुझे कुछ भी नहीं पता। जहां तक मैं जानती हूँ ना मामा को, वो जारा को जरूर वापस लाएंगी, क्योंकि वो जारा से मोहब्बत भी तो बहुत करती है, और फिर जारा उनको इतनी बड़ी खुशखबरी भी तो देने वाली है। हो सकता है बीबी जी। सलमा, मैं तो इस पर भी खुश हो जाऊंगी कि अगर जारा वापस आकर नुमान को संभाल ले। मुझे हर वक्त बस नुमान की फिक्र लगी रहती है, पता नहीं वो किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा। काश जारा ने वो शर्त ही ना लगाई होती। तो फैजा बीबी, आपको लगता है कि जारा बीबी ऐसा कर सकती है क्या, वो अपने बच्चे के साथ? जहाँ तक मैं जानती हूँ ना जारा को, बहुत अनापरस्त है वो, और ऐसे अनापरस्त लोग कुछ भी कर सकते हैं,
होश में। अब तो बंगले में कोई पुराना नौकर भी नहीं है कि कुछ मालूमात हो जाए। एक तो बेगम साहिबा ने भी सारे नौकर बदल दिए, अब तो कुछ खबर भी नहीं हो सकती। ठीक है आप ही, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक खामी बता दें पापा की, जिसकी वजह से आप उन्हें रिजेक्ट कर रही हैं। आप ही आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? असगर से जान छुड़वाने से लेकर आपको एक कामयाब इंसान बनाने तक क्या पापा आपके साथ हर जगह खड़े नहीं रहे? उन्होंने हर जगह आपका साथ दिया, तो फिर आप उनकी मोहब्बत को क्यों ठुकरा रही हैं? क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे। बेटा तुम भले मुंह से कुछ ना कहो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं मलिया को देखना क्या फालतू की जिद लेके बैठ गई? नहीं बेटा, मलिया फजूल बात नहीं कर रही, मैं भी यही चाहती हूं। क्या आप भी? अम्मी मगर आप। हाँ बेटा, मैं मानती हूं मैं आपा की बातों में आके इस रिश्ते के खिलाफ जरूर हो गई थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ। बेटा मैंने महसूस किया है यजदानी भाई तुम्हारे लिए बहुत मुखलिस है, उनके साथ तुम्हारा मुस्तकबिल हमेशा महफूज रहेगा। अम्मी मान जाओ ना बेटा, ऐसे मुखलिस इंसान को ठुकराना ना शुक्रापन होता है, मान जाओ। सोचना इसके बारे में बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूं। आज आप ऑफिस नहीं गए? बस बेटा मूड नहीं हो रहा। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं देख रहा हूं कि 3 दिन से आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं। हाँ तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन अब ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा। सोच रहा हूं कि सारा कारोबार नौकरों के हवाले करके खुद घर बैठ जाऊं। अब क्या कह रहे हैं आप, अपना सारा बिजनेस नौकरों के हवाले कर देंगे? आपकी उम्र भर की मेहनत है, आप अपनी उम्र भर की मेहनत को बर्बाद कर देंगे इस तरह? मेहनत तो उम्र भर की तुम भी हो, जब ये बर्बाद हो रही है बिजनेस बचाकर क्या करूंगा? जानती हो नौमान, जब जैन मेरे पास काम करता था तो उसकी मेहनत पर रश करने की बजाय मैं तुम्हारी नाकामी पर हसरत करता था। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता था कि जैन की जगह तुम मेरा मासूम बनो, और जब फायजा तुम्हारी जिंदगी में आई
और उसने मुझसे वादे के मुताबिक तुम्हें जिम्मेदार बनाया, तो मैं अचानक जवान हो गया। लेकिन यार, तुम्हारी इस व्हील चेयर ने मुझे फिर से बुरा कर दिया। कमान, छोड़ो इस व्हील चेयर को, उठो और फिर से मुझे जवान कर दो। लेकिन पापा, मेरे जैसा नाकाम इंसान ठीक होकर भी क्या करेगा? तुम्हें किसने कहा है कि तुम नाकाम हो? मेरे जमीन थे पापा, मैं एक नाकाम इंसान हूं, ना ही मैं अच्छा शौहर बन सका, ना ही अच्छा बेटा और ना ही अच्छा बाप। रोमान, तुम अब भी अपनी गलतियों की तलाफी कर सकते हो। छोड़ दो इस व्हीलचेयर को, उठो और संभालो अपने बूढ़े माँ बाप को और अपने बच्चे को। और फायसा, उसके साथ की हुई ज्यादती का अजाला मैं कैसे करूंगा? तुम ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर फायदा को ढूंढ लेंगे।